तमाम बाधाओं के परे जाकर अपनी तैयारी जारी रखें और अपने सपने को आकार दें, क्योंकि सपनों का मर जाना सही नहीं होता। नमस्कार, आप देख रहे हैं IAS फर्स्ट और इस नई सीरीज़ में हम चर्चा करेंगे विभिन्न समितियों की रिपोर्ट्स पर, संसद में प्रस्तुत किए जाने वाले बिल और वह ड्राफ्ट बिल जो हमारी तैयारी में महत्वपूर्ण होंगे। आज इस सीरीज़ के पहले वीडियो में हम बात करेंगे शांता कुमार कमेटी की रिपोर्ट की, जो कि FCI रीस्ट्रक्चरिंग, बफर स्टॉक, PDS, फूड सिक्योरिटी और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र पर है। चूँकि इस रिपोर्ट का एक बड़ा हिस्सा खाद्य सुरक्षा और FCI की बात करता है, तो आगे बढ़ने से पहले हम देख लेते हैं कि खाद्य सुरक्षा क्या है। खाद्य सुरक्षा से आशय है खाद्यान्नों की अवेलेबिलिटी, जो हर समय सभी जगहों पर हो, अफोर्डेबिलिटी, जो भारत के सभी नागरिकों के लिए अफोर्डेबल हो, वह न्यूट्रिशियस होना चाहिए, और प्राइस और सप्लाई के मामले में उसमें स्टेबिलिटी होनी चाहिए। चार फैक्टर है तो हम कह सकते हैं कि भारत की खाद्य सुरक्षा विश्वसनीय है। चूंकि हम बात कर रहे हैं खाद्य सुरक्षा की, तो इस दिशा में भारत का सबसे बड़ा प्रयास 2013 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के रूप में सामने आया। तो हम देख लेते हैं कि आज़ादी के बाद से इसके विकास क्रम में यह किन किन चरणों से होकर गुजरा। यदि बात करें पहले प्रयास की, तो 1950 के दशक में राज्यों द्वारा APMC एक्ट लाकर इसका प्रयास किया गया था, पर किन्हीं कारणों से यह फेल। इसके बाद 1964 में फूड कॉरपोरेशन एक्ट लाया गया और बाद में इसके तहत 1965 में FCI का गठन किया गया। बाद में FCI द्वारा गेहूं की और चावल की खरीद का प्रारंभ किया गया और MSP की घोषणा भी की जाने लगी। 1985 में CACP द्वारा MSP की घोषणा और गन्ने के लिए FRP की घोषणा की जाने लगी। आगे चलकर 1997 में डिसेंट्रलाइज प्रोक्योरमेंट स्कीम अपनाया गया, जिसमें टारगेटेड PDS को इंट्रोड्यूस किया गया, जो दो टीयर का था, जिसे APL और BPL दो लाभार्थियों की श्रेणी थी। सन 2000 में अंत्योदय अन्न योजना लाई गई, जिसमें लाभार्थी परिवार को 35 किलो अनाज प्रति महीने दिया जाने लगा। 2003 में केंद्र सरकार द्वारा मॉडल APMC एक्ट लाया गया, जिसे अपनाने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों पर थी, कंपलसरी नेचर का नहीं था। आगे चलकर 2008 में पेग स्कीम लाई गई, इसका मुख्य उद्देश्य भंडारण क्षेत्र में निजीकरण को बढ़ावा देना था, जिसमें FCI प्राइवेट प्लेयर से उनके गोदाम 10 वर्ष के लिए भाड़े पर लेती थी। बाद में 2010 में न्यूट्रिएंट बेस सब्सिडी स्कीम लाई गई, परंतु इस रिजीम में यूरिया को इंक्लूड नहीं किया गया, क्योंकि भारत के किसान यूरिया का यूज अत्यधिक करते हैं। चूँकि यह इस स्कीम में नहीं था, इसलिए यह स्कीम सफल नहीं हुई। दिन बाद में 2013 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम लाया गया, जो अपने वर्तमान स्वरूप में जारी है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम को इम्प्लीमेंट करने में FCI एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। FCI का गठन फूड कॉरपोरेशन एक्ट के तहत मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन में किया गया है। FCI के तीन घोषित उद्देश्य रहे हैं, जिसमें प्रोक्योरमेंट, स्टोरेज और डिस्ट्रीब्यूशन है। कहीं ना कहीं FCI अपने तीनों ही कामों में असफल रहा है। प्रोक्योरमेंट की बात है, उसमें MSP रिजीम में केवल 6% किसान ही आए, इसलिए प्रोक्योरमेंट के स्तर पर FCI सफल नहीं रहा। वहीं डिस्ट्रीब्यूशन में व्याप्त भ्रष्टाचार के कारण लीकेज काफ़ी अधिक था। भंडारण की उपयुक्त और पर्याप्त सुविधा न होने के कारण अत्यधिक अनाज खुले में बर्बाद हो जाते हैं। चलिए देख लेते हैं कि शांता कुमार ने अपनी कमेटी में किन किन
सलाहों को सुझाया है। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार को अपना प्रोक्योरमेंट का काम राज्य सरकारों को आउटसोर्स कर देना चाहिए। वह कहते हैं कि सरकार को पेमेंट मोड में रिफॉर्म लाने की आवश्यकता है, बफर स्टॉक रिफॉर्म लाने की आवश्यकता है, स्टोरेज में रिफॉर्म की आवश्यकता है। वहीं डायरेक्ट कैश बेनिफिट ट्रांसफ़र को किसानों को ट्रांसफ़र करना चाहिए और कंज्यूमर्स को भी डायरेक्ट उनके अकाउंट में पैसे ही ट्रांसफ़र करने चाहिए। प्रति महीने उन्हें अनाज देना सरकार के वित्तीय और कामकाजीय बोझ को बढ़ाता है। वहीं ट्रांसपोर्ट में रिफॉर्म की बात करते हुए वह सुझाते हैं कि कंटेनरों का प्रयोग किया जाना चाहिए। उनके अनुसार वर्तमान स्वरूप में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम राज्य वित्तीय बोझ को बढ़ाता है, तो इसकी समीक्षा किए जाने की आवश्यकता है। मैकेनाइजेशन को बढ़ावा देने के लिए वह टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाना चाहिए और FCI पर वित्तीय बोझ को कम करने के लिए कर्मचारियों को VRS दे देना चाहिए। चलिए दिन देख लेते हैं कि 9 बिंदुओं में वह क्या कहते हैं, बिंदुवार तरीके से देख लेते हैं। पहले बिंदु में वह कहते हैं कि केंद्र सरकार को प्रोक्योरमेंट का काम राज्य सरकारों को दे देना चाहिए। इस विषय में बात करते हुए वह कहते हैं कि संपूर्ण भारत को 2 भागों में बांटने की आवश्यकता है। पहला वह भाग जहाँ की राज्य सरकार सक्षम है, उनके पास टेक्नोलॉजी है, वह प्रोक्योरमेंट का काम स्वयं से कर सकते हैं। ऐसे राज्यों की चर्चा करते हुए वह कहते हैं पंजाब, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ स्वयं का प्रोक्योरमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर केंद्र सरकार ADB की सहायता से शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग देकर प्रोक्योरमेंट का काम राज्य सरकारों को सौंप सकती है। वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे राज्य हैं जहां इंफ्रास्ट्रक्चर का अभाव है, छोटे किसानों का शोषण होता है, बाजार मूल्य MSP से कम होते हैं, वहां FCI को प्रोक्योरमेंट का काम जारी रखना चाहिए और जब राज्य प्रोक्योरमेंट के काम में सक्षम हो जाएंगे तब उन्हें यह कार्य सौंपा जा सकता है। ऐसे राज्यों की चर्चा करते हुए वह उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और असम का नाम लेते हैं। पेमेंट रिफॉर्म की बात करते हुए वह MSP में दिए जाने वाले प्राइस का पेमेंट कैसे किया जाए, इस विषय में कुछ वैकल्पिक साधनों का सुझाव देते हैं। वह कहते हैं कि निगोशिएबल वेयर हाउस रिसिप्ट सिस्टम को पॉपुलराइज करने की आवश्यकता है, जिन रिसिप्ट के बदले किसान बैंकों से लोन ले सकते हैं। लोन की वैल्यू, गोदामों में जमा किए जाने वाली क्वांटिटी और MSP का 80% होगा। आगे वह भावांतर भुगतान योजना जैसी योजनाओं का क्रियान्वयन करने का सुझाव देते हैं, जिसमें वह कहते हैं कि यदि मार्केट में दाम MSP से नीचे जाते हैं तो FCI उन अनाजों की खरीद ना करे, किसानों को मार्केट में उन्हें बेचने दे और जो दामों का अंतर होगा वह सरकार किसानों को डायरेक्ट प्रोवाइड करे। वह कहते हैं कि यदि स्टेट गवर्नमेंट बोनस अनाउंस करती है तो FCI को अपने कोटे से अधिक अनाजों का प्रोक्योरमेंट नहीं करना चाहिए क्योंकि उसके पास भंडारण की पर्याप्त सुविधा नहीं है। उनके अनुसार खरीदी करते समय अनाजों के ग्रेडिंग और क्वालिटी पर विशेष ध्यान देना चाहिए। फिलहाल के स्वरूप में देखा गया है कि विभिन्न राज्य सरकारों में लेवी की दर 3 से 15% तक वैरी करती है। उनके अनुसार संपूर्ण भारत में एक ही लेवी दर होनी चाहिए, उन्होंने 3% की दर सुझाई है। जहां तक बफर स्टॉक रिफॉर्म की बात है, ऐसा करने की आवश्यकता भी क्यों है, तो इसको जस्टिफाई करने के लिए ये कहा जाता है कि पिछले वर्षों में FCI ने बफर स्टॉक से ज्यादा की खरीदी की है। तो एक सवाल यह उभर कर सामने आता है कि यदि स्टॉक नहीं है तो FCI उससे अधिक की खरीदी करती भी क्यों है। तो इसमें कहा जाता है कि पहला बड़ा कारण है लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, सरकारी एजेंसियों के बीच में कोऑर्डिनेशन का अभाव है। वहीं वोट बैंक की राजनीति के कारण राज्य सरकारें ऐन चुनाव के पहले बोनस की घोषणा कर देती हैं, जिससे किसान FCI की ओर आकर्षित होते हैं। इसके अलावा कई बार FCI मार्केट में खुली खरीद करती है, इस वजह से भी
बफर स्टॉक से ज़्यादा खरीदी हो जाती है। वहीं यदि बफर स्टॉक से ज़्यादा का स्टॉक हो जाए तो उसे मार्केट में बेच दिया जाए, ऐसा कोई ऑटोमेटिक लिक्विडेशन रूल नहीं है, तो सरकार ऐसा चाहकर भी कर नहीं पाती है। अब सवाल यह उठता है कि यदि FCI बफर स्टॉक से ज़्यादा की खरीदी कर लेती है तो प्रॉब्लम भी क्या है, फ्यूचर में वह काम आ सकता है। बट यहाँ पे दिक्कत ये है, पर जब FCI अनाजों की खरीदी कर लेती है और मार्केट में बाज़ार में कृत्रिम अभाव उत्पन्न हो जाता है, तो ऐसे खाद्य मुद्रास्फीति बढ़ने की आशंका होती है। तो खाद्य मुद्रास्फीति को कम करने के लिए सरकार के पास दो रास्ते हैं, या तो सरकार बाहर से इंपोर्ट करे या यहाँ से एक्सपोर्ट होने वाले सामानों पर बैन करे। तो कई बार सरकारें खाद्यान्नों पर एक्सपोर्ट को बैन कर देती हैं, जिससे एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस हर्ट होता है। तो इसका सलूशन क्या है? तो इसका सलूशन देते हुए शांता कुमार ने कहा है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम को इंप्लीमेंट करने के लिए 61 मिलियन मैट्रिक टन अनाज की आवश्यकता है और रणनीतिक भंडारण के रूप में 5 मिलियन मैट्रिक टन का भंडारण किया जाना चाहिए, इससे अधिक के भंडारण की आवश्यकता नहीं है। वह कहते हैं कि सरकार के पास किसी भी समय इतना पैसा, इतना विदेशी मुद्रा भंडार होना चाहिए जिससे 2 मिलियन मैट्रिक टन गेहूं और 2 मिलियन मैट्रिक टन चावल का आयात किया जा सके। जहाँ तक बात है स्टोरेज में रिफॉर्म लाने की, तो इसमें एक बहुत बड़ा बिंदु है आउटसोर्स करने का। भंडारण का काम प्राइवेट पार्टीज को दिया जा सकता है। इसमें पेग स्कीम एक अच्छी पहल थी, जिसमें FCI या गारंटी देती थी कि वह 10 सालों के लिए गोदाम को लीज पर लेगी। वहीं भारत में FCI अभी भंडारण के लिए कवर और प्लिंथ का उपयोग करती है, जिसमें एक चबूतरे पर खुले में अनाजों का भंडारण किया जाता है और उसे प्लास्टिक से ढक दिया जाता है, पर यह पूरी तरह सुरक्षित नहीं होता। इसके बदले साइलोस का उपयोग किया जाना चाहिए, जो एक तरह से बंद कंटेनर होते हैं जिसमें खाद्य सुरक्षित होते हैं। वहीं पर एंड टू एंड कंप्यूटराइजेशन की बात कही जाती है और ट्रकों की ऑनलाइन ट्रैकिंग की बात कही गई है। वहीं नॉर्थ ईस्ट और जम्मू कश्मीर के लिए किसी भी समय 3 महीने का स्टॉक होना चाहिए। अभी PDS में अनाजों का वितरण प्रति माह किया जाता है, प्रति माह ना कर यह वितरण छमाही बेसिस पर किया जाना चाहिए, इससे भंडारण में सुविधा होगी। इन सारे बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए यदि कार्य किया जाए तो स्टोरेज में रिफॉर्म लाया जा सकता है। अभी सरकार कई तरीकों से किसानों की सहायता करती है, उर्वरक सब्सिडी, सस्ती बिजली, सस्ता पानी आदि आते हैं। शांता कुमार कहते हैं कि सरकार को ऐसी इनडायरेक्ट या डायरेक्ट सब्सिडी ना प्रोवाइड कर कर किसानों को एकमुश्त 5 से 10 हज़ार रुपये प्रति हेक्टर उनके यूडिया लिंक्ड अकाउंट में दे देना चाहिए। इसके बाद यह किसानों पर छोड़ देना चाहिए कि वह ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक किस तरह की खेती करना चाहते हैं और वह अपने बिजनेस विजडम का उपयोग करके मार्केट के हिसाब उत्पादन करेंगे। जहाँ तक बात है ट्रांसपोर्ट के तरीकों में रिफॉर्म करने की, तो सबसे पहली बात है कि जो अनाजों का ट्रांसपोर्टेशन है, जो अनाजों को एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाया जाता है, वह बंद कंटेनरों में ले जाना चाहिए, जिससे हवा या मॉइस्चर का उस पर कोई दुष्परिणाम नहीं होगा। कई बार देखा गया है कि मैनुअल लेबर बोरियों को उठाने के लिए उसमें हुक लगाकर उसे उठाते हैं। हुक लगाने से उन बोरियों में छेद हो जाता है और अनाज गिरते रहता है, इससे उसकी व्यर्थ की बर्बादी होती है। तो जहाँ तक कोशिश हो आयरन हुक्स का प्रयोग नहीं करना चाहिए। वहीं पर बोरियों को उठाने के लिए फॉकलिफ्ट का प्रयोग किया जा सकता है, जो कि वेयर हाउसेज में बड़े सामानों को उठाने के लिए किया जाता है। वहीं पर सिक्योरिटी को इम्प्रूव करना चाहिए और जहाँ तक संभव हो सके इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट मोड का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि यह उपलब्ध विकल्पों में सबसे सस्ता होता है। शांता कुमार कहते हैं कि अभी का जो PDS रिजीम है उसमें सरकार पर राजकोषीय बोझ बहुत ज़्यादा आता है। वह कहते हैं कि PDS स्कीम
को समाप्त करके अंत्योदय हाउस होल्ड्स फैमिली को 700 रुपये प्रति महीने और जो अन्य एलिजिबल हाउस होल्ड्स हैं उन्हें 500 रुपये प्रति महीने दिया जाना चाहिए। अगर ऐसा किया जाए तो 20 से 25% जो सब्सिडी का बोझ है वह कम किया जा सकता है। अपनी बात को जस्टिफाई करने के लिए उन्होंने एक अच्छा एग्जाम्पल दिया है जिसे इस तरह से समझा जा सकता है कि जिस चावल का मार्केट रेट MSP और PDS रिजीम के तहत 30 रुपये प्रति किलो है उस पर सरकार 27 रुपये की सब्सिडी देती है और 3 रुपये की वसूली नागरिकों से की जाती है। ऐसे में सरकार के पास 27 रुपये का बोझ आता है, तो वह कहते हैं कि इसे समाप्त कर देना चाहिए और जो कुछ भी डिसाइड हो वह एकमुश्त राशि नागरिकों को दे देनी चाहिए और देन या उनके विवेक पर हो कि वह मार्केट से किस चीज़ को किस दाम पर खरीदते हैं। शांता कुमार को लगता है कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में भी समीक्षा किए जाने की आवश्यकता है। इसका अभी वर्तमान कवरेज संपूर्ण भारत के लिए 67% है। उनके अनुसार यह वित्तीय बोझ को बढ़ाता है और इसे कम कर 40% कर देना चाहिए। अभी के रेजिम में राज्य सरकारों को लाभार्थियों की पहचान करनी पड़ती है और लाभ पहुंचाना पड़ता है। यदि राज्य सरकारें इसमें विफल होती हैं तो उन्हें इसके लिए भत्ता देना पड़ता है जो कि केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को दिया जाता है, दिन राज्य सरकारें वह लाभार्थी को देती हैं। शांता कुमार कहते हैं कि यह संपूर्ण भारत में लागू करने की आवश्यकता नहीं है, इसे भारत के केवल 11 राज्यों में लागू किया जाना चाहिए। अभी के रिजीम में अंत्योदय हाउस होल्ड्स के लिए 35 किलो अनाज प्रति परिवार दिया जाता है जिसमें चावल 3 रुपये प्रति किलो, गेहूं 2 रुपये प्रति किलो और मोटा अनाज 1 रुपये प्रति किलो होता है। शांता कुमार को भी लगता है कि अभी के स्वरूप को देखते हुए वर्तमान में यह ठीक है और इसे किसी बदलाव के बिना जारी रखा जाना चाहिए। मैकेनाइजेशन और VRS की बात करते हुए वह कहते हैं कि मैकेनाइजेशन को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, FCI को अपना काम कम करना चाहिए, अपने दायरे को समेटना चाहिए, ऐसा करते हुए उसे जोनल ऑफिस और रीजनल ऑफिस को कम करना चाहिए। वहीं पर FCI को अपने स्टाफ को VRS दे देना चाहिए जिससे उसका वित्तीय बोझ कम होगा। अभी भारतीय संस्कृति में ऐसा देखा गया है कि विभिन्न पदों पर IAS जैसे सामान्यज्ञ होते हैं। शांता कुमार को लगता है हायर पोस्ट पर एग्जीक्यूटिव्स को हायर किया जाना चाहिए जिन्हें इस क्षेत्र में विशेष ज्ञान हो। वहीं पर शांता कुमार ने कहा है कि मैनुअल लेबर को बाहर से हायर किया जाना चाहिए डेली वेजेस पे, उन्हें नियमित काम पर ना रखा जाए, इससे FCI के वित्तीय बोझ को कम किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि इस रिपोर्ट की आलोचना नहीं की गई। ट्रेड यूनियन सरीखे आलोचक कहते हैं कि यह वर्कर की सामाजिक सुरक्षा पर प्रहार है, ऐसा नहीं किया जाना चाहिए, यह सर्वहारा पर प्रहार है। वहीं सर्वे मेथड को लेकर भी संशय बना हुआ है क्योंकि इसका कवरेज सिर्फ 6% है और डाटा कलेक्ट करने का तरीका NSSO से अलग है, क्योंकि उससे मेल नहीं खाता है, इसलिए भी आशंका इसके साथ बनी हुई है। वहीं पर कुछ लोग कहते हैं जो शांता कुमार कमेटी ने प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा देने की बात की है, कहीं ना कहीं कल्याणकारी राज्य के स्वरूप को देखते हुए इसकी आवश्यकता नहीं है। वहीं पर FCI को प्रोक्योरमेंट के काम में PDS रिजीम को सफलता देने के लिए इसमें बढ़ चढ़कर काम करना चाहिए, ऐसा करते हुए उसे अपने ऑफिस और सब डिस्ट्रिक्ट ऑफिसेस को की संख्या को बढ़ाना चाहिए। वहीं पर जब शांता कुमार कहते हैं कि वर्तमान में जारी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम में जो 67% की कवरेज है उसे कम कर 40% कर दिया जाना चाहिए, तो लोगों की आशंका है कि भारत में गरीब अधिक होने के कारण यदि इसके रिजीम को 40% कर दिया जाए तो काफ़ी गरीब इसके लाभ से वंचित रह जाएंगे। वहीं पर वर्तमान में फार्मर्स की डिस्ट्रेस को देखते हुए, उनकी दयनीय स्थिति को देखते हुए ऐसे किसी बदलाव किए जाए जिसमें सभी प्रकार की प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सब्सिडी को समाप्त कर एक मुफ्त राशि दी जाए वह वर्तमान में स्वयं को जस्टिफाई नहीं करता। तो यह सारी आशंका शांता कुमार कमेटी रिपोर्ट के साथ है, फिर भी यह हमारे एग्ज़ाम के लिए काफ़ी यूज़फुल हो सकता है क्योंकि इसका एक बड़ा सेक्शन कृषि और इकोनॉमी दोनों से रिलेट करता है, तो सवाल किसी भी पेपर में पूछे जा सकते हैं। मोस्टली पेपर 3 में इसका एक बड़ा स्वरूप महत्वपूर्ण हो जाता है हमारे लिए।
किसी भी पल आपको यह वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। अगर कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलिए देन इसी सीरीज़ में मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।